अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा चैनल OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट वजीहा अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस चेक। नाज़रीन, आज हम क्रॉस चेक में बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत पर और कोरोना ने किस तरीके से मईशत को मुतासर किया है। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, अतीकुर रहमान साहब मौजूद हैं, हम पूरी बात उनसे करेंगे। मैं कोई आज खास इंट्रो नहीं दूंगी, मैं सारी बात उन्हीं से करूंगी। प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं, अतीकुर रहमान साहब का सीनियर एनालिस्ट है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे बुलाया, और मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मेरा बहुत सारा सलाम और रमज़ान शरीफ मुबारक। बहुत शुक्रिया दीक साहब। अच्छा दीक साहब, हम बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि कोविड की सिचुएशन चल रही है और मईशत जो है बहुत डाउन जा रही है। अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें था कि दो रोज़ कारोबार बंद करेंगे, यानी फ्राइडे और संडे। अगर दो रोज़ कारोबार बंद रहेंगे तो मईशत पर क्या असर पड़ेगा, किस तरीके से मईशत मुतासर होगी पाकिस्तान की? बहुत शुक्रिया, आपके दो सवाल मेरे पास आ गए। पहला सवाल तो ये था कि कोविड ने क्या हंगामा किया हुआ और क्या हलचल मचाई है और इसकी क्या तबाहकारियाँ हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, बात यह कि कोविड पहले आया, फिर कोविड दूसरी दफ़ा आया, अब जो तीसरी दफ़ा कोविड आया ना, ये बड़ा स्कैरी है और काफ़ी डिसरप्शंस हैं इकोनॉमिक्स में और इकनॉमी काफ़ी मतलब कि कोई एक पाथ नहीं है, कोई एक रास्ता नहीं है जिस पर इकनॉमी चल रही है। इकनॉमी का कुछ प्रॉब्लम ज़रूर सामने आ रहा है। अच्छा, वो प्रॉब्लम डिस्कस करते करते आपने कहा कि दो दिन की छुट्टियां और फिर उसके बाद लॉन्ग वीकेंड टाइप की चीज़, तो इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, सारी दुनिया में छुट्टियां की जा रही हैं और सारी दुनिया में लॉकडाउन किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि हमें कम्प्लीट लॉकडाउन की तरफ नहीं ले गए, तो उसमें क्या हो रहा है, पार्शल लॉकडाउन हो रहे हैं। अब पार्शल लॉकडाउन में अगर दो दिन का लॉकडाउन किया जा रहा है तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में किया जाए। देखिए, हो रहा यह है कि कभी ये कहा जाता है कि फ्राइडे को बंद रखें और फिर संडे को भी बंद रखें। संडे को एक आदमी होता है, वो घर पर होता है, उसको ग्रॉसरी वगैरह करने का टाइम होता है, अब वो उससे महरूम हो जाता है। दूसरी बात ये कि अगर फ्राइडे को बंद रखते हैं तो फ्राइडे को क्या बंद रखते हैं? ऑफिसेज खुले हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खुली हैं और कॉरपोरेट में काम हो रहा है और सिर्फ दुकानें और ट्रेडर्स और स्मॉल ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स बंद हैं। इसके अलावा फिर सैटरडे को फिर बड़े उरूज पर कारोबार जाता है और शॉपकीपर्स और स्मॉल ट्रेडर्स और तमाम लोग अपनी दुकानें खोल के काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऑफिसेज बंद होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बंद होती हैं, कॉरपोरेट बंद होता है। तो ये एक अजीब गिमिक किस्म की सिचुएशन है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बड़ी फनी सिचुएशन है। या तो दो छुट्टियां इकट्ठी कर दें, सैटरडे संडे, पता हो कि ये पाँच दिन का हम लोगों ने बहुत दबा के काम करना है, लेकिन अभी तक इसमें कोई क्लैरिटी नहीं आई। कोई सैटरडे को बंद कर रहा है, कोई फ्राइडे को बंद कर रहा है। होना ये चाहिए कि सैटरडे संडे अगर बंद करते हैं फॉर वन एग्जाम्पल, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ सब कुछ फ्राइडे तक फुल स्विंग में होना चाहिए। उसमें शॉपकीपर्स भी, ट्रेडर्स भी, रिटेलर्स भी, होलसेलर्स भी, सब अपने हिसाब से काम करें। लेकिन आपका सवाल जो मैं समझ पाया वो यही है कि दो दिन बंद करना इज एन इकोनॉमिक लॉस। अच्छा, ये सिर्फ इकोनॉमिक लॉस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लॉस है और इकोनॉमी में इसमें काफ़ी डैमेजेस आएंगे। देखिए, आप अगर इसको बंद करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक्सपोर्ट्स पे भी आपके असर पड़ता है। आपकी मेन रेवेन्यू कलेक्शन एक्सपोर्ट्स के थ्रू है। एक जहाज़ जो आता है, कंटेनर्स लेकर आता है, वो आपके इस बात का इंतज़ार नहीं करेगा कि सैटरडे आपकी इंडस्ट्री बंद है, आपकी संडे इंडस्ट्री बंद है और आपने उसको कंटेनर्स नहीं दिए, वो कंटेनर लेकर चला जाए, तो वो कॉल ऑफ करता है, फिर वो आपके पोर्ट पर नहीं आता। और बाज़ दफ़ा वो कॉल ऑन करता है, कंटेनर्स लेकर आता है इम्पोर्ट के और वो छोड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से मंडे को पोर्ट पे बेइंतहा कंजेशन होता है। देखिए, अगर पोर्ट पे कंजेशन होता है तो फिर रोड पे भी कंजेशन होता है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, अल्लाह करे ये मसले हल हो जाएं, ये कोविड की कंडीशंस ख़त्म हो जाएं, जिसकी वजह से बेइंतहा इकोनॉमिक को लॉस है। और ये मामूली लॉस नहीं है, ये मिलियंस का लॉस नहीं है, ये बिलियंस के लॉसेज हैं। हमारा मुल्क, हमारी इकोनॉमी इस बात की मुतहमल नहीं हो सकती कि हम फर्दर लॉसेज में जाएँ। हमको प्रोग्रेस करनी है एंड वी हैव टू वर्क एवरी डे। वो मैं कहता होता हूँ हमेशा कि ओनली वर्क एंड नो हॉलीडेज। तो ये चीज़ भी कौम को देखनी पड़ेगी कि हमें किस कदर ज़्यादा काम करना है और वर्किंग आवर्स भी बढ़ाने हैं अपने। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होगा जब हम एक रोड मैप बनाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक पेज पर होगी। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट का।
तो ये आपका सवाल बड़ा बिल्कुल टू दी ऑर्डर है और ये वाकई एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि क्या किस दिन करना है, क्या हम लोग सिर्फ मंडे से लेके थर्सडे तक काम करें और उसके बाद एक अजीब हॉलीडे सा मूड बने, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ताजिर भी नहीं मानते ना बंद करना कारोबार को, बिल्कुल भी नहीं मानते। आप देखें कितने नोटिफिकेशन आते हैं लेकिन वो नहीं मानते, वो कहते हैं हमने शॉप्स खोलनी है, हमने चलाना है, लेकिन जो रोज के कमाने वाले हैं, रोज खाने वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे? जी हाँ, डेली वेज अर्नर्स का भी प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये कि मिडिल क्लास और जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं या शॉपकीपर्स हैं, इनका बड़ा नुकसान है। देखिए रमज़ान तो और फिर आगे ईद है, ये उनके बिजनेस करने के दिन है। अब उसमें अगर वो संडे जिस दिन टाइम मिलता है आदमी को शॉपिंग करने जाने का, वो उस दिन सब कुछ बंद हो और वो शॉपिंग ना कर सके और वो वर्किंग डेज में भी ना जा सके, आगे रमज़ान है, कामों के दौरान ये भी कम है, तो मेरे ख्याल है मेरी एडवाइस यही होगी कि बीइंग अ बिजनेसमैन के सिर्फ संडे की हॉलीडे रखी जाए और वही मेरे ख्याल है काफ़ी है। और लेकिन उस हॉलीडे में फिर वही प्रॉब्लम आता है कि क्या शॉपकीपर्स, मॉल्स, ट्रेडर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स भी बंद होंगे, ये एक सवाल है अभी, जिसको कोविड की वजह से कोई बहुत ही मजबूत तरीके पे कहना पॉसिबल नहीं है इस वक्त। अच्छा हम बात करेंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, एक तो बड़ा अहम किरदार अदा करती है कोविड ने, क्या क्या सिचुएशन है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की? देखिए कोविड हो या ना हो, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं आपको पता है उन डेवलपिंग कंट्रीज में हमेशा डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट पर होता है और इम्पोर्ट्स हमेशा ज़्यादा होती हैं। इसमें अगर ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा हो जाए तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी हमारा एक्सपोर्ट्स का जो है फिगर है वो ये कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो 23.6 बिलियन है, ठीक है, और जो हमारी इम्पोर्ट्स है वो 46.16 बिलियन है। इसका मतलब है हमारा ट्रेड डेफिसिट 22.53 बिलियन का, तो ट्रेड डेफिसिट मुस्तकिल बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अभी आप क्या करें, आप अपनी इंडस्ट्री का सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल हो या कोई और सी इंडस्ट्रीज हो, सब में रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। जब रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है तो रॉ मटेरियल को ड्यूटी से फारिग करना पड़ेगा, इसको विदाउट ड्यूटी करना पड़ेगा, इसको ड्यूटी फ्री करना पड़ेगा ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ती हो। मेरा कहना मानना यह है कि जब आप रॉ मटेरियल महंगा इंडस्ट्री को देते हो तो फिर इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। जब इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है तो लामहाला जो एंड कंज्यूमर है जिसको वो माल मिलता है वो उसको महंगा मिलता है, फिर हम उसको कहते हैं कि इन्फ्लेशनरी रेट्स लगे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। जैसे इन्फ्लेशन का टारगेट 8% था, आज बढ़ के 18.8% पे पहुंच गया, विच इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट इन द रीजन। तो मैं यही कहता हूं कि जब आप रेवेन्यू जनरेट करें एक्सपोर्ट्स को बढ़ा, आप रेवेन्यू जनरेट इससे ना करें कि आप रॉ मटेरियल पे कि अपनी ड्यूटीज, एडिशनल ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज लगाएं और उसको महंगा करें, रॉ मटेरियल को सस्ता करें। और सबसे बढ़कर तो बात यह है कि हम इंडिजिनसली अपने मुल्क में रॉ मटेरियल बनाएं ताकि जिस रॉ मटेरियल को हम इंपोर्ट करते हैं जो इतना महंगा होता है उससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। एक चीज़ और वजह जो बताना ज़रूरी है आपको, वो ये है कि पाकिस्तान इज़ दी हाइएस्ट इलेक्ट्रिसिटी टैक्स पेयर कंट्री इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट टैक्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है हमारी, इस एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ईज ऑफ बिजनेस है ना, वो ख़त्म हो गई है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हर चीज़ अपनी कॉस्ट में मल्टीप्लाई हो रही है और महंगी सी महंगी। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे पास जो एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर हैं वो पोटेंशियली अगर देखा जाए तो नेक तक ये ऑर्डर्स भरे हुए, लेकिन एक्सपोर्टर्स उन ऑर्डर्स को मना कर रहे हैं इसलिए कि वो कॉम्पिटिटिवनेस में नहीं जा सकते। एक तरफ तो रॉ मटेरियल महंगा है और दूसरी तरफ आपका कॉस्ट ऑफ एनर्जी बहुत महंगा है, इन दोनों को जब आप मिलाते हैं तो आपकी कॉस्ट बहुत आगे चले जाती है, तो आप कॉम्पिटिटिवनेस में नहीं जा सकते। तो लिहाजा अक्सर एक्सपोर्टर्स उन ऑर्डर्स को मना कर रहे हैं, जो कि अच्छा साइन नहीं है। मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊँगा कि 2013 में पहली दफ़ा पाकिस्तान ने $25 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव किया था, वो उस वक्त से लेके अब तक और नहीं हो सका। आप देखिए मैंने आज जो फिगर पढ़ी वो $23 बिलियन की थी। तो पाकिस्तान को इस फिस्कल ईयर में $50 बिलियन की एक्सपोर्ट करनी थी हर हालत में, जिस तरह के ऑर्डर्स आए थे पाकिस्तान, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम $30 बिलियन तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये बड़ी पैथेटिक सिचुएशन है। $50 बिलियन तक जाने के बजाय हमें $100 बिलियन तक जाना चाहिए, ये हमारे टारगेट्स हो। लेकिन ये टारगेट्स तभी मीट होंगे जब हम अपने रॉ मटेरियल को लोकली बनाएंगे, उसकी उसकी कीमत ज़रा कम होगी और दूसरी तरफ
हमारी एनर्जी कॉस्ट जो है उसको भी रिड्यूस करना होगा। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे यहाँ करूंगी, जो ओपोजिशन पार्टीज हैं वो इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाती हैं कि आपकी वजह से पिछले साल गुज़िश्ता साल में मतलब जीडीपी रेट जो था वो नेगेटिव आया था, और इमरान खान साहब कहते हैं कि जी जितने कर्जे हैं साबका हुकूमत के भी वो भरे हैं उन्होंने, लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा असर मईशत पर पड़ता है? जब कर्जे ही हम भरते रहेंगे तो पाकिस्तान को कैसे चलाएंगे? बिल्कुल सही बात है, बात सारी है कि बात तो सही है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सही कहते हैं कि उन्होंने जो टोटल इकोनॉमी है उसमें जितनी डिलेपिडेशन है और लकूमा है, और जो सबसे बड़ा हेवॉक है, ख़तरनाक बात है, वो ये है कि जो कुछ रेवेन्यू आपका आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से, उसमें मेजॉरिटी जो है वो आपके डेट सर्विसिंग पे चला जाता है। आप कर्जे अदा करते हैं, सिर्फ आप कर्जे नहीं अदा करते बल्कि आप उनका हैवी इंटरेस्ट भी पे करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह मुल्क ने लोन लिया हुआ है, एक्सक्यूज मी, वो सिर्फ डोमेस्टिक लोन नहीं है, वो एक्सटर्नल लोन भी, एक्सटर्नल डेट्स भी हैं, और ये ज़्यादातर शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, इसमें कमर्शियल लोन्स हैं, इन पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हैं। तो हुआ ही है कि हम लोग अपनी जितना रेवेन्यू है वो ज़्यादातर डेट सर्विसिंग पे लगाते हैं, फिर थोड़ा बचता है उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट के रन करने के एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस रन करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता, वो दोबारा डेट लेती है, या तो डोमेस्टिक बैंकों से लेती है या फिर वो एक्सटर्नल डेट लेती है। तो क्या हो रहा है कि पिछला कर्जा उतर रहा है और दूसरा कर्जा फिर उसमें ऐड बैक हो रहा है। मैं इसकी एक मिसाल दूंगा, प्राइम मिनिस्टर पिछले दिनों कह रहे थे कि उनका एहसास प्रोग्राम जो है उसको, वो बहुत कामयाबी से चल रहा है, और हकीकत है वो बहुत कामयाब जा रहा है वो प्रोग्राम। एक्सक्यूज मी, एक यहीं से कंटिन्यू करते हैं, मैं एक ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद हम हाजिर होते हैं। CABA Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, CABA Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at cabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. वापस आ गए हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी अदीक साहब, क्या कह रहे थे आप? तो मैं बता रहा था कि गवर्नमेंट को डेट्स पे डेट लेने पड़ रहे हैं, और अभी प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि एहसास प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए उनको आईएमएफ से दोबारा रिजर्व करनी पड़ेगी, ताकि जितना डिस्ट्रप्शन इकोनॉमी में आ रहा है उसमें थोड़े से फंड्स आ जाएं और फर्दर लोन ले लिया जाए। तो बस एक तरफ वो लोन पे करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोन लेने की भी बात कर रहे हैं, एक अजीब किस्म की सिचुएशन है, लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट की इकोनॉमी को चलाने के लिए कर्जे लेने ही पड़ेंगे। लेकिन अपोजिशन का तो काम है इमरान खान पे तंकीद करना, उनका तो काम ही ये कोई अच्छी बात नहीं हो रही। और मैंने कहा हमेशा कि अपने काम से काम रखें और इकोनॉमिक चार्टर पे बात करें। आज जब से पाकिस्तान में, अब तक इकोनॉमिक चार्टर पे बात नहीं हुई है, और इकोनॉमिक चार्टर वो है कि किसी ने अच्छा काम किया तो उसको इनकरेज किया जाए,
और जो किसी के अच्छे काम है उनको सबोटाज ना किया जाए, तो जितने अच्छे काम हुए हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, और क्या नाम है ये सबोटाज वाली जो तनकीद वाली जो हरकतें हैं इनसे मेरे ख्याल है बाज रहा जाए तो बेहतर है, मुल्क की इकनॉमी की तरफ देखा जाए। और क्या ही अच्छा हो कि कुछ दिनों तक ये आपस की झड़प को छोड़कर सिर्फ इस बात की कोशिश करें कि मुल्क की इकनॉमी को कैसे ठीक किया जा सके, आम आदमी को वक्त पर हर चीज़ मिले, खाना मिले, पानी मिले। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोविड 19 की वजह से आ रहा है दुनिया में वो पॉवर्टी लेवल्स बढ़ रहे हैं। हम कर्जों की बात कर रहे थे, कर्जे बढ़ रहे हैं, साथ में पॉवर्टी लेवल्स भी बढ़ रहे हैं, गुर्बत भी बढ़ रही और हंगर भी बढ़ रहा है, भूख भी बढ़ रही है। प्राइम मिनिस्टर को इसका एहसास है, तभी वो एहसास प्रोग्राम की बात करते हैं। देखिए दुनिया में भूख बढ़ रही है और पाकिस्तान में आधा मुल्क एक वक्त का खाना खाता है और दूसरे वक्त के खाने के उसको पता नहीं होता, उसकी भी उसे फिक्र करनी पड़ती है। ये सारे मसाइल है, अगर ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन आपस में गड़बड़ करते रहेंगे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहेंगे, तो ये इकोनॉमी सुधरने वाली की जाए, गुर्बत की रोकथाम कैसे जाएगी क्योंकि कोविड भी चल रहा है, कैसे करें? बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। गुर्बत की रोकथाम एक ही तरीके से होगी कि हर आदमी पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ सोचे। पाकिस्तान का जो रेवेन्यू इंजन है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन एक्सपोर्ट है, और उस एक्सपोर्ट को ग्रो करने के लिए जो कुछ करना है वो सब कुछ करें। जैसे मैंने आपसे कहा कि $25 बिलियन अब तक हम नहीं टच कर सके, हमें कम से कम $50 बिलियन की एक्सपोर्ट करनी है, इससे इंडस्ट्रीज भी चलेंगी और इससे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट भी चेक होगा, और इससे पाकिस्तान का रेवेन्यू जो कि बहुत ही सुस्त रफ्तारी से आता है वो बहुत हैवीली और मैसिवली आ सकेगा। अच्छा एक और बात ये कहूँगी, ये किस तरीके से, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे बहुत अच्छे तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है? देखिए अभी गवर्नमेंट ने यूरो बॉन्ड्स नोट किए, आपको पता है $2.5 बिलियन के, पहली दफ़ा 3 साल में कैपिटल मार्केट में अपने आप को पेनिट्रेट किया और उसको कैप्चर किया, और वो यूरो बॉन्ड्स को इतने आराम से और इतने तरीके से सेल आउट कर दिया। तो ये यूरो बॉन्ड से जो $2.5 बिलियन आया वो सुकूक की तरफ भी जा रहे हैं। तो बहुत सारे तरीके, उनमें से एक तरीका ये भी था कि किसी तरह हमारे जो ट्रेजरी में पैसे कम होते चले जा रहे हैं, उन पैसों को जो हम डेट्स पे करके कम कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से और दूसरे तरीके, तो मैं समझता हूँ, मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ कि पाकिस्तान ने जो कैपिटल मार्केट में $2.5 बिलियन के यूरो बॉन्ड्स फ्लोट किए, ओवरसीज पाकिस्तानी ने दबा कर उसमें इंटरेस्ट लिया और वो सारे के सारे बिल्कुल जैसे कहते हैं कामयाबी से सेल आउट हो गए। अच्छी बात है। अब बात करेंगे ऑटो इंडस्ट्रीज की कि कोविड में उनकी क्या सिचुएशन रही, क्योंकि इंडस्ट्रीज हैं आपको पता है कि इंडस्ट्रीज बंद भी रही हैं, क्या असर डाला मीशत पर? देखिए इंडस्ट्रीज का ये है कि हमारे पास दो किस्म की इंडस्ट्रीज है, एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। जब हम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं SMEs की, ठीक है ना, स्मॉल ट्रेडर्स की बात करते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादातर हमारे मुल्क में वो सपोर्टेड इंडस्ट्रीज है जिनको हम वेंडर्स कहते हैं, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। पिछले दिनों लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, 4 से लेकर 8% तक उनका डिक्लाइन था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी इंप्रूव हो गई है और वो काम हो रहा है उसमें। इसमें एक फ़ायदा तो यह हो रहा है कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का घोस्ट आया था वो थोड़ा सा चेक हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हमें देखें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आई है कि उसमें हमने अपनी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को काफ़ी फ़रोग दिया। पाकिस्तान में न सिर्फ लाखों मोटरसाइकिल्स बिकती हैं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी ये मोटरसाइकिल्स अब जानी और मानी जा रही है और अब इनकी एक्सपोर्ट्स हो रही है। तो हमें चाहिए कि अपनी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को ग्रोथ दें जितना हद तक हो सके। और जो आपने ये बात की और शायद मेरे ख्याल वक्त भी कम होगा तो मैं एक बात बता चलूँ कि जहां आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर रही हैं वहां मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूँ कि पाकिस्तान बेसिकली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, उसके जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम होता चला जा रहा है, अब उसकी जो वजूहात हैं गवर्नमेंट उसको देखे और उन वजूहात को ओवरकम करके उन प्रोड्यूस को दोबारा से बढ़ाए, जिसपे मेरा कहना है कॉटन को वापस लाए उस लेवल पे, वीट को लाए, राइस को मेंटेन रखे, और जो पल्सेस वगैरह हैं जो भी है और फ्रूट है वेजिटेबल्स हैं जो भी है। देखिए अभी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जहाँ हमारी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स आए वहाँ एग्रीकल्चरल के प्रॉब्लम्स आए और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बजाय इसके कि हम एक्सपोर्ट करें हम इम्पोर्ट करना शुरू हो गए। खामखा हमारे इम्पोर्ट बिल पे $6 से $7 बिलियन का पिछले साल बोझ पड़ा है
सिर्फ इन चीजों को इंपोर्ट करने पे। ये एक बहुत अलार्मिंग, कुछ सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा बल्कि, कि उन्होंने कहा था कि सब बंद हो जाए, सारे कारोबार बंद हो जाए, लेकिन एग्रीकल्चर जो कि बैकबोन का काम करता है वो नहीं बंद होना चाहिए, वो चल रहा है, उसने मईशत को जरा भी सपोर्ट नहीं किया। उसमें किया है, लेकिन देखिए और ओपनली आने की जरूरत है, और इसमें काफी वाइडली काम करने की जरूरत है। बात क्या है कि इस वक्त पीजेंट जो है ना वो थोड़ा सा परेशान है, उसको अच्छे फर्टिलाइजर की जरूरत है, उसको लोन चाहिए, उसको मैकेनिज्म चाहिए, उसको सीड्स चाहिए, ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, और वो इन चीज़ों को जो उसकी रिक्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करे, और बजाय इसके कि दूसरे खलके खुदा के प्रोग्राम्स पे ध्यान दिया जाए, बेहतर ये है कि अपने किसानों को और उनकी तकालीफ को दूर करके उनको पैरों पर खड़ा किया जाए, उनको मजबूत किया जाए, ताकि पाकिस्तान की यील्ड और उसका वो पोटेंशियल उस लेवल पे पहुंच जाए जिस लेवल पे पाकिस्तान था पहले। बिल्कुल सही बात है, बहुत शुक्रिया अतीक साहब, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने सुना कि अतीक साहब ने किसने अच्छे तरीके से बताया कि रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, पाकिस्तान की जीडीपी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और पाकिस्तान का आगे मुस्तकबिल कितना अच्छा निकलेगा, और गुरबत को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट वजीह अब्दुल कादिर को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए ओपीटीवी। सेंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिबिल्मों के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सेंटियागो कैनियन कॉलेज अमरीका में दाखिलों की जमानत देता है। सेंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा जेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा, हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल स्टेट, रियल स्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल स्टेट में हूं, आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल स्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल स्टेट परचेजिंग, रियल स्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवालात के जवाब के लिए हाजिर हूं। प्लीज देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल स्टेट। पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक्वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।